हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल आशा सक्सेना। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल हेयर कट, लेकिन वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये है स्ट्रेट हेयर कट, और आप देख रहे हैं वेरी वेरी लॉन्ग हेयर में हम इन हेयर का कम से कम 8 इंच के लगभग का कट करके आपको बताएंगे। कट करने का तरीका देखिएगा आप कि किस तरह से सिंपल वे में हम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए इतने सारे हेयर हैं। मेरी क्लाइंट के इतने लंबे हेयर हैं कि उनको संभालना और कट करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। और सबसे ज़्यादा बात ये होती है कि वो इतने लंबे होने के कारण हम किस तरह से कट करें, और आपको वीडियो शो करना है तो फिर हम अलग तरह से आपको करके बताएंगे इन हेयर में। क्योंकि अगर हम अपने क्लाइंट को काफ़ी दूर रखते हैं, कैमरा दूर रखते हैं, तो आपकी शिकायत रहेगी कि मैं बिल्कुल दूर था इसलिए क्लियरिटी के साथ में दिखाई नहीं दिया। इसलिए हम अलग तरह से इन लॉन्ग हेयर का कट आपको करते हैं, वो स्ट्रेट हेयर कट होगा। आप टिल टू एंड वीडियो वॉच करिए तभी अच्छे से समझ में आए। देखिए सबसे पहले हमने कॉम किया, और हेड वॉश किए हुए हेयर हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमने वाटर स्प्रे नहीं किया है। और ये कम से कम 8 इंच के लगभग का कट करेंगे क्योंकि डैमेज हेयर दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी थिन हेयर है नीचे के। आप देख रहे हैं कि ऊपर काफ़ी अच्छे हेयर हैं जो आपके सामने हम कॉम करके प्लेन हेयर कर रहे हैं। कॉम अच्छे से कर लेना चाहिए, ट्रेंगल रिमूव करने के बाद ही हेयर कट स्टार्ट करना चाहिए। ये देखिए आप इस तरह से हमने कॉम किया, और अब इन हेयर को हम ग्रिपिंग के साथ में लेकर आएंगे। ग्रिपिंग में लेने के बाद में हम किसी भी डायरेक्शन में हेयर को लेकर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और हेयर कट हमारा प्रॉपर होगा, कोई भी ऊंची नीचे हेयर हमको नहीं शो होएंगे। ये देखिए एक बार फिर से देखिए, हमने कॉम किया, अच्छे से ट्रायंगल रिमूव किए और ग्रिपिंग हमने ली। ग्रिपिंग देखिए इस तरह से अपने फिंगर में पकड़ने को हेयर ग्रिपिंग बोलते हैं। और ये ग्रिपिंग लेने के बाद में देखिए 8 इंच के लगभग का हमने कट किया। ग्रिपिंग अगर अच्छे से है तो हेयर को किसी भी डायरेक्शन में हम लेकर जाएंगे, कोई भी ऊंचे नीचे हेयर नहीं है। ये देखिए काफ़ी थिन हेयर हमने आपको दिखाए, और एक ही बार में आप देखिए अच्छे से हो गया। सिंपल हेयर कट है ये, प्लेन स्ट्रेट हेयर कट है ये, लेकिन सबसे बड़ा ये हेयर कट इसलिए है कि ये सारे हेयर कट में रीढ़ की हड्डी है। यहीं से हमारे ब्यूटीशियन कोर्स में एक कटिंग का काम स्टार्ट होता है। अब ये फिंगर ग्रिपिंग हमने ली है, और देखिए ऊपर की साइड में आपको दिखाने के लिए हमने इन हेयर को ग्रिप करके और ट्रिम किया है। ट्रिम इसलिए किया है कि छोटे बड़े हेयर हमको दिखाई दिए तो उनको ट्रिम करने का तरीका ये है। फ्रेंड्स, अगर क्लाइंट आपके पास इस तरह से आते हैं, ये वीडियो बिगनर्स के लिए विशेष करें, तो आप घबराइए नहीं। और अगर आपको ये शो करना है कैमरे में तो फिर हम हेयर कट इस तरह से करेंगे। अब फिनिशिंग देने का काम बिल्कुल करेंगे, ऊंचे नीचे जो थोड़े से कुछ अनइवन हेयर दिखाई दे रहे हैं उनको इस तरह से ट्रिम किया। और ये आपके सामने बहुत ही जल्दी 5 मिनट से भी पहले हेयर कट हो गया। और देखिए इन हेयर का नज़ारा देखिए आप, जो डैमेज हेयर थे सारे रिमूव हो गए, और ये थिक नेस जो हेयर में आनी थी वो आपको दिखाई दे रही है। तो लॉन्ग हेयर में कट करने का तरीका आपको बताया है इसी तरह से है, और विश्वास है आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेरी वेरी लॉन्ग हेयर में इस तरह से हमको हेयर कट करना चाहिए। और ये देखिए फिनिशिंग हम बराबर देंगे। अगर फिनिशिंग हमने अच्छे से नहीं दी, क्योंकि छोटे बड़े हेयर हो सकता है दिखाई दें, अगर फिनिशिंग नहीं दी तो फिर बाद में बहुत खराब लगता है। हेयर के सूखने के बाद में जो कुछ छोटे बड़े हेयर होते हैं वो गंदे दिखते हैं, और हेयर कट हमारा फिनिशिंग के साथ में, क्लियरिटी के साथ में दिखाई नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, विश्वास है आपको ये बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट हेयर कट समझ में आ गया होगा। लॉन्ग हेयर के कारण किस तरह की प्रॉब्लम होती है वो आपने देखा कि लॉन्ग हेयर में काफ़ी मुश्किल होती है। और ये देखिए विदाउट हेयर सेटिंग के ये
हेयर कट आपके सामने हमने पेश किया है, विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और ये देखिए क्लाइंट के हेयर, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।